आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके आसपास में कहां पर आधार कार्ड में सुधार होता है, नया आधार कार्ड बनता है, या आधार कार्ड में आपको मोबाइल नंबर अपडेट होता है या उसमें ईमेल आईडी अपडेट होता है, वो सब कैसे आप पता कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ है जैसे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, एड्रेस हो गया, ये सब आप अपने ही कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मेरे चैनल पर वीडियो बना हुआ है, खुद से आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे कर सकते हैं। तो मैं आपके आसपास में कहाँ पर आधार सेंटर है वो कैसे आप पता कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ढूंढ लेना है, क्योंकि ये सिस्टम ऐप होता है, सबके मोबाइल में होता है। देखिए मेरा क्रोम ब्राउज़र रहा, तो इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद में सर्च बार पर क्लिक करना है और सर्च बार में लिखना है आपको UIDAI, इतना ही लिखना है। तो देखिए ऊपर भी आ गया, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज खुलेगा, तो ये वेबसाइट आपको देख लेना है UIDAI.gov.in। उसके बाद UDI है, इसमें थोड़ा चेंज भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट वाला लिंक पर ही आपको क्लिक कर देना है। फर्स्ट वाला लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करिए, यहाँ पे आपको जो भाषा आपको समझ में आता है वो भाषा आपको सिलेक्ट कर लेना है। हम इंग्लिश ऐसे सिलेक्ट कर लेना है, आपको जिस भी भाषा में अगर देखना वो भाषा आप कर सकते हैं। तो मैं इंग्लिश पर क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए मेरा इंग्लिश भाषा हो गया है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉपअप आता है, इस पॉपअप को बिना हटाए हुए आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉपअप है, मतलब 10 साल से ज़्यादा आपका पुराना आधार कार्ड हो गया है, तो आपको भी आधार कार्ड को अपडेट करना पड़ेगा। तो भी वीडियो मैं बनाई हूँ मेरे चैनल पर है, वो देख करके आपका भी 10 साल से ज़्यादा पुराना आधार कार्ड हो गया तो उसको अपडेट कर सकते हैं। तो इसको क्रॉस के निशान पर क्लिक करके इसको हटा देते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आते हैं, यहाँ लोकेट ए इनमेंट सेंटर जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा, यहाँ तीन प्रकार से आप देख सकते हैं, स्टेट, पोस्टल पिन कोड से है, सर्च बॉक्स है। तो मैं आपको अभी फर्स्ट वाला ही बताता हूँ, स्टेट से ही। तो स्टेट वाले पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको जिस भी स्टेट का अपना चेक करना है वो यहाँ पर क्लिक करिएगा। उसके बाद इसमें सारा स्टेट आ जाता है, जहाँ का आपका चेक करना है आप कर सकते हैं, जहाँ का भी आपको चेक करना है। तो हमको जैसे यहाँ बिहार का करना है तो यहाँ पर क्लिक किए तो स्टेट सिलेक्ट हो गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, सब डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। तो उसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में विलेज, सिटी, टाउन आपका लिखा हुआ है तो वहाँ पे क्लिक करिएगा। उसके बाद में आपको जहाँ का देखना है वहाँ का आप देख सकते हैं। तो इसमें जो नज़दीकी आपका जगह पड़ता है वहाँ उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो नज़दीकी मेरा ये है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपका जो नज़दीकी होगा वो उस पर क्लिक करिएगा। तो देख लीजिए, उसके बाद में इस बॉक्स पर आप ही करिएगा जब आपको परमानेंट जो सरकारी है वो परमानेंट है आधार सेंटर, उसी के बारे में अगर पता करना हो तो इस बक्से पर टिक कर दीजिए। नहीं तो CSC ID लेके बहुत आदमी आधार कार्ड में सुधार करते हैं, तो वो सब आपको देखने के लिए इस बक्से पर मत टिक करिएगा। उसके बाद ये कैप्चा कोड जो लिखा हुआ है वो ऊपर देख के इस बक्से में लिख देना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है ये कैप्चा कोड, तो यहाँ सिंबल के निशान है इस पर क्लिक करिएगा, तो ये कैप्चा कोड आपका चेंज हो जाएगा। तो आप ये कैप्चा कोड देख करके ऊपर में सही सही लिख दीजिएगा, जैसे स्मॉल में कैपिटल में अक्षर जैसे है वैसे आपको लिखना है, गलत मत लिखिएगा। बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना है, उसके बाद लोकेट सेंटर लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा, आपके जहाँ लोकल एरिया आप सेलेक्ट किए हैं उसके आसपास में जो भी आधार सेंटर होगा उसका एड्रेस आपको बता देगा। देख लीजिए ये एड्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे
एलाइनमेंट मतलब नया कितना बना है वो दिखाया है, तो यहाँ पर जीरो बना है। और अपडेट कितना हुआ है मतलब सुधार कितना हुआ है वो कितना है वो भी बता देता है। और लास्ट अपडेट डेट किस दिन लास्ट डेट को हुआ था वो डेट भी आपको दिखा देता है, मतलब जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन अपडेट हुआ है। तो आप फिर कल जा करके उस सेंटर पर अपना जो भी करना है वो कर सकते हैं। ये परमानेंट वाला है तो इसमें एलाइनमेंट मतलब नया बना है 408 और अपडेट हुआ है 425। और ये लास्ट अपडेट इसमें मैं जिस तारीख को वीडियो बना रहा हूँ उसी तारीख को है हुआ है, तो ये कल भी होगा। मतलब सिर्फ संडे छोड़ करके ये जो परमानेंट सेंटर है वो संडे को नहीं खुला रहता है, उसके बाद में ये सब जो CSC है ये सब मतलब आपको सब दिन एक दुकान रहता है, इससे सब दिन अपडेट होता है, तो कभी भी आप करवा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप आपके आसपास में जो आधार सेंटर है वो पता कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑल कर दीजिएगा, तो मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।